नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस से पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने यहां पर जैश के 3 आतंकियों को घेर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। सेना ने आसपास के इलाके में नाकेबंदी कर दी है और पूरे इलाके को घेर लिया है। गणतंत्र दिवस की वजह से घाटी में पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद है। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही सेना त्राल पहुंच गई और आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। सेना ने आसपास के लोगों को मकान खाली करने को कहा है। सेना ने जिन आतंकियों को घेर रखा है उनकी पहचान भी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने जैश के कमांडर कारी यासिर को घेर लिया है। कारी यासिर पाकिस्तानी मूल का है। कारी यासिर ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में आम लोगों की हत्याओं को अंजाम दिया था। इस आतंकी पर त्राल गुजरों की हत्या का आरोप है। दूसरे आतंकी का नाम बुरहान शेख बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक फिदायीन है, इस वजह से सेना बेहद सावधानी से ऑपरेशन चला रही है।